आज का वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए है जिनका एडसन अप्रूव हो चुका है, यानी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी वो पेमेंट के लिए एलिजिबल हो गए। जब आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो आपको क्या करना है कि आपको एडसन से यहाँ पे आपका यूट्यूब लिंक करवाना है, यानी आप पेमेंट ले सके। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नए यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे सवाल आते हैं कि यहाँ पे कौन सा बैंक यहाँ पे देना है जहाँ पे आपका जो YouTube का अमाउंट है यानी YouTube का पेमेंट है वो यहाँ से आराम से आ जाए। तो यहाँ पे हमने इंडिया के यूट्यूबर्स के लिए कुछ ऐसे बैंक का सिलेक्शन किया है जहाँ पे ये सेवाएं बहुत अच्छी तरह देती है और यहाँ पे उनके जो एक्सचेंज के रेट है वो कम लगते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो YouTube का पेमेंट है वो किस बैंक में आपको लेना है। तो आपको डरना नहीं है, आप यहाँ पे पूरा वीडियो देख के समझ सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद तो लाइक करना ना भूले। ये देखिए दोस्तों, मेरे सब वीडियो सब मोबाइल से शूट किए हुए हैं, मेरा कुछ ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी मैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करने में लगा हूँ और आपकी दुआओं से ये यूट्यूब चैनल ग्रो जरूर होने वाला है। यहाँ पे थोड़ी वीडियो की क्वालिटी डाउन होगी लेकिन आपको वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो वीडियो पूरा देखिए और जान लीजिए कि YouTube का पेमेंट कौन से बैंक में ले सकते हैं। अगर आप एक इंडियन यूट्यूबर है और आपको गूगल एडसेंस से पेमेंट लेना है तो आपको कौन सा बैंक चूज करना चाहिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स के दिमाग में ये ख्याल आता है। तो हम जल्दी देख लेंगे कि कौन सा बैंक आपको सही होगा। तो क्या होता है कि हमें वो यूट्यूब का पेमेंट लेने के लिए जल्दी पेमेंट वाले और अच्छा कस्टमर केयर वाले जो बैंक है वही चूज करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे भारतीय बैंकों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिससे यह गूगल एडसन का पेमेंट लेना बहुत ही आसान है। एक नंबर पे आती है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बैंक है और ये अंतरराष्ट्रीय पेमेंट और गूगल एडसेंस से प्राप्त होने वाले पेमेंट को संभालने में सक्षम है, यानी आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छे एक्सचेंज के रेट मिल जाते हैं और कम शुल्क मिलते हैं। SBI विशेषता ये विदेशी भुगतान के लिए समर्थन करता है और ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक ब्रांचेज के नेटवर्क है, यानी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऐसे SBI के ब्रांचेस होती है तो वहाँ पे आप आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, यहाँ पे आपको बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छा विकल्प किन के लिए होता है कि जो यूट्यूबर विश्वसनीय और सरकारी बैंक के साथ कामकाज करना चाहते हैं उनके लिए SBI बैंक बहुत अच्छा विकल्प है। दो नंबर, HDFC बैंक। HDFC बैंक अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवा और अंतरराष्ट्रीय लेन देन की तेज प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। यह YouTube के एडसन के पेमेंट के लिए अच्छा विकल्प है और इसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के उनके लिए बहुत ही अनुकूल होता है। HDFC बैंक सबसे बेहतर बैंक है, इसकी विशेषताएं हम जान लेंगे। मल्टी करेंसी अकाउंट्स यहाँ पे उपलब्ध होती है, पे जो एक्सचेंज रेट है ये बहुत अच्छे यानी कम दरों में आपको प्रोवाइड होते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी विदेशी पेमेंट में यहाँ पे क्विक प्रोसेसिंग की भी यहाँ पे फैसिलिटी है, यानी यहाँ पे जो HDFC बैंक माना जाता है तो ये अच्छी फैसिलिटी और प्रोसेसिंग के लिए माना जाता है। यहाँ पे किन यूट्यूबर्स के लिए अच्छा है कि जो त्वरित और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय भुगतान चाहते हैं उनके लिए HDFC बैंक बहुत ऊपर पे देखेंगे ICICI बैंक। ICICI बैंक अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए अच्छा विकल्प प्रदान करता है और इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप बहुत मजबूत है। ये यूट्यूबर से प्राप्त होने वाले भुगतान को संभालने में सक्षम है और इसकी विदेशी मुद्रा दरों में भी अदर कंपनी जैसा ही है, यानी जो एक्सचेंज रेट है वही यहाँ पे लागू होते जो अदर बैंक में लागू होते हैं। ऐसी है कि जो एक्सचेंज रेट है ये कम देते हैं, मल्टी करेंसी अकाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जो इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप है या इनकी जो इंटरनेट सेवा है ये बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे ICICI बैंक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ICICI बैंक किन क्रिएटर्स के लिए अच्छा है, जो भुगतान यानी जो विदेशी पेमेंट है जो नियमित रूप से लेते हैं उनके लिए ICICI बैंक का विकल्प बहुत अच्छा है।
चार नंबर पे आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पेपल से आसानी से जुड़ सकता है और इनकी जो विदेशी करेंसी एक्सचेंज के रेट है वो भी यहाँ पे अच्छे यानी कम है। ये विदेशी पेमेंट के लिए कम शुल्क लेता है। यहाँ पे विशेषताएं इनके भी बहुत अच्छी है। ये अंतरराष्ट्रीय भुगतान की तेज प्रोसेसिंग यहाँ पे रखता है, यानी इनका जो इंटरफेस है ये फास्ट है। मल्टी करेंसी फॉरेक्स अकाउंट्स और यहाँ पे कार्ड्स प्रोवाइड करता है। मोबाइल बैंकिंग की विश्वसनीय सेवाएं है यहाँ पे, बहुत अच्छा इंटरफेस है। यहाँ पे मेरा भी एक्सिस बैंक का ही यहाँ पे अकाउंट है। और यूट्यूबर्स के लिए ये अच्छा क्यों है, क्योंकि ये मॉडर्न एंड एडवांस बैंकिंग का जो अनुभव करना चाहते हैं वो एक्सिस बैंक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नंबर पे आता है कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अपनी डिजिटल सेवाएं और कम शुल्क वाले विदेशी पेमेंट के लिए जाना जाता है। ये विशेष रूप से अच्छे इनकम वाले यूट्यूबर्स के लिए अच्छा विकल्प है। कोटक बैंक की विशेषताएं जान लेंगे। जो विदेशी करेंसी का जो सेवाएं है ये कम दरों में ये उपलब्ध कराते हैं। मल्टी करेंसी फॉरेक्स सेवाएं भी देते हैं, यानी कार्ड देते हैं, अकाउंट देते हैं। अच्छा ऑनलाइन सपोर्ट भी है, मोबाइल बैंकिंग भी है, कस्टमर केयर भी अच्छा है। तो आप यहाँ पे कोटक बैंक भी होगा तो यहाँ पे आपको चल सकता है। उन क्रिएटर्स के लिए ये अच्छा है जो फ्लेक्सिबल बैंकिंग का विकल्प और उच्च स्तर लेन देन सुविधा चाहते हैं, उनके लिए कोटक बैंक बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कई तरह के है जहाँ पे हम यूट्यूब का पेमेंट ले सकते हैं बिना बैंक अकाउंट के। आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं कि जो मैं अभी आगे बताऊंगा। एक नंबर, पेपल का उपयोग कीजिए। कुछ यूट्यूबर्स एडसन को पेपल से लिंक करना पसंद करते हैं ताकि उन्हें जो विदेशी पेमेंट है उनका भुगतान आराम से होता रहे। नंबर आता है वायर ट्रांसफर। बहुत सारे बैंक है जो वायर ट्रांसफर के ऊपर रेट लगाती है, तो आपको ऐसा ही बैंक चूज करना है जिनके वायर ट्रांसफर के दर कम हो और वहां पे ये अच्छा फैसिलिटी दे, वही आपको चूज करना चाहिए। फॉरेक्स अकाउंट ये बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप YouTube से अच्छी कमाई कर रहे हैं, काफी कमाई कर रहे हैं, तो आपको मल्टी करेंसी फॉरेक्स अकाउंट खोलना अच्छा हो सकता है ताकि आप एक ही बार में बार बार मुद्रा विनिमय के शुल्क से बच सकते हैं। यानी जो एक्सचेंज रेट लगते हैं यहाँ पे उससे आप बच सकते हैं। जो रेट लगता है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी आपकी जो कमाई है वो अच्छी होती रहेगी।